नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। मैं हूं आयुषी। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सरकार के इन सारे दावों को खोखला करते नवादा की एक घटना बयां कर रही है। दरअसल 4 साल पहले इन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। ये महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं और सरकार चैन की बंसी बजा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। चार वर्ष पूर्व जिला के गोविंदपुर थाना के अंतर्गत सुगड़ी गांव के बायारा मोड़ के पास संत आश्रम में रहने वाले आधा दर्जन महिला साध्वी मोनीबाई, रश्मिबाई, मालतीबाई, नानीबाई, सासूबाई, मालती देवी और एक अन्य के साथ 4 वर्ष पूर्व आश्रम के रहने वाले सन्यासियों कल्पना चौधरी, गिरिजा शंकर चौधरी, अजीत चौधरी, पिता राम नारायण चौधरी, ग्राम शैल हाड़ा, थाना लालगंज, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दुष्कर्म से पीड़ित आश्रम के आधा दर्जन साध्वी ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी ना होने से आश्रम में भय और आतंक के बीच रहने को मजबूर हो रहे हैं। थाना 2 बार छापा वहाँ मारी है, कुर्की जब्ती भी की है और चार्जशीट लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक वो टीम फरार है। हम लोग को बार बार धमकियाँ दे रहा है उठाने के लिए, और इस तरह की हमारे आश्रम पर अभी 3 घटना कर चुके हैं। पहली घटना 12 दिसंबर को की है, फिर दूसरी घटना 66/19 का केस है, उसको पूरा हुआ। धोखेधड़ी से हमारे साधु संसद ले गए, धोखा देकर पूछे और वहाँ पर ले जाकर सऊदी मोड़ पर उनके साथ घटना की। उसके बाद फिर विकल्पनाथ के भाई तपस्यानंद शेखपुरा में हम लोग पर अटैक किए जान से मारने के लिए। से बार बार धमकी दे रहे हैं कि केस आप लोग उठा लो, नहीं तो जान से मार देंगे। जब तक पुलिस आश्रम में पहुँच पाती तब तक सभी अभियुक्त फरार हो चुके थे और तब से फरार हैं। उन सबों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, दुष्कर्म जैसे कई गंभीर आरोपों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने उनके खिलाफ अस्थायी वारंट भी जारी कर रखी है। 2 बार नवादा पुलिस सबों की खोज में हार गई। स्थानीय पुलिस की असहयोग के कारण सभी फरार हो जाते हैं, लेकिन इसमें कभी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ना शेखपुरा से हो रही है, ना नवादा से हो रही है। बाकी पुलिस तो 2 बार छापा भी मारी है गोविंदपुर की पुलिस, लेकिन लालगंज थाना उनके सपोर्ट करते हैं। प्रधान है, उनका पकड़ है, इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। वो पकड़ा नहीं पाया अभी तक। आज आप लोग कहाँ आए थे? यहाँ एसपी साहब से मिलने आए थे, लेकिन एसपी साहब मिली नहीं है। उनके संपत्ति को कुर्क करने के बाद मुकदमा में चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं कोर्ट में। इधर अभियुक्तगण इन सभी पीड़ितों को मुकदमा उठा लेने अन्यथा जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। एक दिन जब सभी गाड़ी से शेखपुरा आश्रम जा रही थी तब रास्ते में रोक कर सभी का अपहरण करने का अभियुक्तों ने प्रयास किया, परंतु शोर मचाने पर पास के ग्रामीणों ने उनकी रक्षा की। फिर भी एक को छोड़कर 5 को अपहरण करने में सफल रहे। इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सभी साध्वी ने अधीक्षक नवादा सांवला राम से मिलने का प्रयास किया, पर उन्हें मिलने का समय नहीं मिला। अब देखना ये है कि महिला पुलिस अधिकारी के रहते उन्हें न्याय मिलता है या नहीं। 4/18 का हमारा केस है, अभी तक केवल एक मुजरिम गिरफ्तार हुआ है, बाकी इसमें और भी 4 मुजरिम को हम लोग पहचानते हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। क्या घटना हुआ था? रेप का घटना है, लोग हम लोग 2018 में इन केस केस हुआ था, रेप केस के मामले में आए हैं। ये 5 अभी इसमें मुजरिम बताया गया है, लेकिन अभी तक इसमें से केवल एक ही मुजरिम का गिरफ्तारी हुआ है, और वो भी मतलब हमारे जो दूसरे साथी के साथ जब अटैक हुआ, पहले केस की लापरवाही में ही नहीं इसको जब मुजरिम को गिरफ्तार किया तो दूसरी बार अटैक किया, जो वहाँ शेखपुरा में पकड़ा गया और उसी में वो मुजरिम गिरफ्तार हुआ। एक ही मुजरिम अभी तक गिरफ्तार हुआ, बाकी अभी 4 के 4 अभी सब फरार चल रहे हैं। और उसी सिलसिले में अभी हम लोग एसपी से मिलने आए थे, तो एसपी से सुबह बात हुई, कहीं 3 बजे मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिले, वो कह रहे कि मंडे को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एटीएन लाइव इंडिया। नमस्कार।